हमसे बात कर रहे हैं। अरे घुसेगा कोर्ट में निकाल लेते हैं ना, कोर्ट में रख के ले जाएगा ये। ये मैं उतार रहा हूँ, मैं इसको वापस बुलाया फिर फोटो के लिए। मैं इसके बाजू में ही खड़ा था। जा रहा हाथ में ले रखा, देखो गया अंदर, गया देखो इधर, सही है गया अंदर, ठीक है ना। अरे हाँ मेरा बैग, अब पोच करना, पोच करना, रोको भैया रोको, अब पोच करो जरा। सर सबसे पहले नाम बता दें। मेरा नाम है मोहिंदर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या हुआ था और कब की घटना है ये? 13 मार्च को अंदर मेरे ना मेरे बेटे की रिसेप्शन थी, तो उसके अंदर सारे गेस्ट आए हुए थे, उसके अंदर मेरे बेटे के इन लॉज सारे फैमिली के साथ में 20-25 जने आए हुए थे। तो जैसे ही मेरे इससे पहले तो कि मेरा 11 फरवरी को मेरे साथ में भी हादसा हुआ था, जिसमें मेरे बेटे की रिंग सेरेमनी थी, रिंग सेरेमनी के अंदर मेरी वाइफ का पर्स उठ गया था, उसमें 2 लाख समथिंग पैसे थे। तो हम उसको देखते हुए हम अलर्ट हो गए थे, तो हमने उसके ऊपर हमने अपने पर्सनल CCTV कैमरे लगाए थे अपने, एक गुरमीत टेंट CVD ग्राउंड के अंदर। तो जब ये फंक्शन चल रहा था तो हमारे जो समधी साहब, हमारे सारे बच्चे के बच्चे रिलेटिव सब आए थे ना, तो वो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए ऊपर चढ़े स्टेज के ऊपर। तो जो उनकी सास थी मेरे बेटे की, तो वो बच्चे को इमोशनल हो गई, उनकी आधे पर्स था जो कि उन्होंने कुछ गिफ्ट भी थे, उनके अपने ज्वेलरी भी थे जो उन्होंने पहनना पहन के अपने पर्स में रखी हुई थी, और बेटी को जो उन्होंने गिफ्ट देने थे वो भी उनके पास उसमें थी। तो जब वो चढ़ गए तो बच्ची को इमोशनल हो गई, एकदम उसको अपने गले लगाया, और गले लगाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे को अपना पर्स उसके सीट पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने सीट पर रखा तो उन्होंने घूम के देखा तो पर्स वहाँ से गायब था। क्या कुछ नजर आया CCTV के अंदर? CCTV कैमरे में ये नजर आया कि वो एक लड़का वहाँ से हरकत कर रहा है, और वो उसने पर्स उठाया है और उसको लेके एकदम वो बाहर निकला है। तो जैसे ही बाहर निकला तो उन्होंने मेरे बेटे ने फोन करा कि पापा CCTV में चेक करो कि ना सुरभि के मम्मी का पर्स गायब हो गया है। तो मैंने उसी टाइम अपने लड़के चारों तरफ भगाए और CCTV देखा, तो वहाँ पर सारे कैंप जब उसने पूरे पंडाल को खंगोला तो वहाँ पर चार लड़के पाए गए, तो हमने उनको पकड़ लिया। 3 लड़के पकड़े उस टाइम पे, तो 2 लड़के उसमें छोटे थे नाबालिग थे। दो लड़कों से जब मारा पीटी शुरू करी तो उसने लड़के ने ये बोला कि मैं अभी रुक जाओ, मैं उस बंदे को बुलाता हूँ जो पर्स तुम्हारा लेके भागा है। तो उसने उसका हमने फोन अपने फोन से उसको उसका नंबर लिया जिस लड़का लेके भागा था, तो उसको नंबर मिलाया, तो उसने हमने लड़के को समझा दिया था कि तुमने ऐसे ऐसे बोलना है। तो जब वो लड़के को फोन करा तो उसने फोन उठाया, तो छोटे लड़कों ने जो नवाजी उन्होंने वहाँ पर थे मौजूद थे लड़के दो, तो उन्होंने बोला कि भैया अभी सामान यहाँ पर और भी है, मुझे एक फोन भी मिला है, और भी लोगों के पास सामान है, तुम ना फटाफट इधर और आ जाओ, और भी हम काम कर सकते हैं। तो उस लड़के ने बोला कि भी मैं पेट्रोल पंप पे तेरे को मिलूंगा, और पेट्रोल पंप के मिलूंगा, तो हमने कहा नहीं पेट्रोल पंप पे नहीं बोलना, उससे बोलना कि टेंट के पीछे आ। तो उसको टेंट के पीछे बुलाया, तो हमने अपने लड़के उस लड़के से बोला, उसको फिर दोबारा फोन मिलाया, तो उसी लड़के ने जो जिसने पर्स उठाया पर्स जिसके पास था, तो उसको बोला कि हाँ जी भैया कहाँ पर आना है। तो जब उन्होंने टेलीफोन उठाया तो हमारे लड़का समझ गया कि यही लड़का है, उसके हाथ में पर्स भी था। तो जैसे ही उसको हमने हमारे लड़कों ने उसको दबोचने की कोशिश करी, तो पीछे से एक स्कूटी आई, उस पर एक लड़की थी, और उस लड़की ने मेरे क्या नाम तुम्हारा साले बेटे के साले के हाथ पे रोड मारी और अपने हाथ से पर्स छोड़ दिया। अच्छा। और पर्स एकदम वो लड़की लेके स्कूटी पे लेके भाग गई। अच्छा, कितनी उम्र होगी लड़कों की जो पकड़े गए थे? और अभी जो 2 लड़के हैं वो नाबालिग हैं, 12 साल समथिंग हैं, और 2 लड़के और पकड़े गए,
वो जो कि प्रोफेशनल है प्लस 25-30 साल के हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे बिहारी कॉलोनी के रहने वाले। अच्छा, अभी इस पर पुलिस क्या कर रही है? अभी पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम उस पर बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे जो इन लॉस, जो मेरे बेटे के लॉस हैं, सारी फैमिली अपसेट हो गई है। मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर पूरे समाज के अंदर और गुरमीत टेंट के अंदर अक्सर ऐसा होता ही रहता है। अच्छा, हाँ जी, हमने गुरमीत टेंट वाले को पर्सनली बोला था कि आपने मेरा 11 फरवरी को फंक्शन था उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रखी थी, आप इस पर ध्यान देना और सारी एंट्रियाँ बंद करके रखना और तरीके से उस पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े करना। हमने उसको बार बार वार्निंग दी और मैंने पर्सनल कॉस्ट के ऊपर अपने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। तो क्या